साथियों, नेपाल यानी दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत सागर माथा का देश, नेपाल यानी दुनिया के अनेक पवित्र तीर्थों, मंदिरों और मठों का देश, नेपाल यानी दुनिया की प्राचीन सभ्यता संस्कृति को सहज कर रखने वाला देश। नेपाल आउंदा मलाई कुने राजनीतिक भ्रमण भंडा अलग आउटा छुट्टे आध्यात्मिक अनुभूति हुंच। भारत और भारत के लोगों ने हजारों सालों से नेपाल को इसी दृष्टि और आस्था के साथ देखा है। मुझे विश्वास है, अभी कुछ समय पहले जब शेर बहादुर देवबा जी, श्रीमती आरजू देवबा जी भारत गए थे, और जैसा अभी देवबा जी ने वर्णन किया बनारस का, काशी विश्वनाथ धाम की यात्रा की थी, तो उन्हें भी ऐसी ही अनुभूति भारत के लिए भी होना बहुत स्वाभाविक है। साथियों, ये सांझी विरासत, ये सांझी संस्कृति, ये सांझी आस्था और ये सांझा प्रेम, यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। और ये पूंजी जितनी समृद्ध होगी, हम उतने ही प्रभावी ढंग से साथ मिलकर दुनिया तक भगवान बुद्ध का संदेश पहुंचा सकते हैं, दुनिया को दिशा दे सकते हैं। आज जिस तरह की वैश्विक परिस्थितियां बन रही है, उसमें भारत और नेपाल की निरंतर मजबूती होती मित्रता, हमारी घनिष्ठता संपूर्ण मानवता के हित का काम करेगी। और इसमें भगवान बुद्ध के प्रति हम दोनों ही देशों की आस्था, उनके प्रति असीम श्रद्धा हमें एक सूत्र में जोड़ती है, एक परिवार का सदस्य बनाती है।